असलम वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर टू आई कॉम पार्ट वन बिजनेस मैथ चैप्टर का नाम है रेशियो प्रपोशन एंड परसेंटेज बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है शाहिद जमाल की एक्सरसाइज टू है तो चलन फिर स्टार्ट करते हैं तो आज का क्वेश्चन है टू पॉइंट ट्वेंटी ए बी एंड सी आर इन द रेशो ऑफ थ्री फाइव सेवन इफ़ ए इज़ इक्वल टू फिफ्टीन फाइंड द वैल्यू ऑफ़ बी एंड सी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है सबसे पहले हम यहाँ पर अगर हमारे पास हो ए रेशो बी तो हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं ए रेशो बी को हम एौन बी ठीक है इज़ इक्वल टू इसका रेशो क्या है थ्री और फाइव ठीक है तो यहाँ पर आ गया थ्री और फाइव अब हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए की वैल्यू जो कि है फिफ्टीन अपॉन बी इज़ इक्ल टू थ्री अपॉन फाइव अब अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें दरमियान में भले ही इक्वल हो बट हम यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर थ्री को बी से करेंगे और फाइव को फिफ्टीन से करेंगे तो जब हम थ्री को बी से करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री बी और फाइव और फिफ्टीन हो जाएंगे सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाई करना है न? फाइव इसको हमने काटना नहीं है मल्टीप्लाई करना है फ़ाइव को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई किया और थ्री को बी से मल्टीप्लाई किया ठीक है तो ये थ्री बी इज़ इक्वल टू सेवेंटी फाइव हो गया अब यहाँ पर बी इधर रह गया थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर जाकर होगा डिवाइड तो सेवेंटी फाइव अपॉन थ्री तो थ्री वन ज़ा थ्री और सेवनटी फाइव थ्री टू ज़ा सिक्स और एक यहाँ गया फिफ्टीन तो थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन तो बी इज़ टू ट्वेंटी फाइव वैल्यू आ गई ठीक है ए की वैल्यू मौजूद मुझ, है सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर ले लेंगे अब ए अपॉन सी तो ए अपॉन सी में आ जाएगा थ्री अपॉन सेवन ए की वैल्यू मौजूद है फिफ्टीन अपॉन सी इज इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन सेम इसी तरह से यहाँ पर हो गया थ्री सी इज़ इक्वल टू सेवन को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे सेवन को फिफ्टीन से किया तो हो गया वन हंड्रेड फाइव फिर सी इधर रह गया वन ओ फाइव नीचे थ्री चला गया तो इसे सॉल्व किया तो थ्री वन ज़ा थ्री 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 ज़ा नाइन और वन इधर गया तो ये हो गया फिफ्टीन तो ये हो गया थ्री फाइव जॉ फिफ्टीन तो आंसर आ गया यानी सी की वैल्यू आ गई थर्टी फाइव आंसर तो ये था आज का क्वेश्चन उम्मीद करती हूँ अच्छे समझ आया होगा मजद क्वेश्चन के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़